महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को हीरे की अंगूठी देकर किया था प्रपोज। सारा जाह्नवी भी थी निशाने पर। शेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को प्रपोज करने के लिए टिफनी हीरे की अंगूठी दी, जिसमें के नाम के पहले अक्षर थे। पिंकी यानी कई अभिनेत्रियों और मॉडलों को सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाने के लिए तिहाड़ जेल ले गई। जेल में इनके नाम गवाह के रूप में दिए गए थे। नई दिल्ली बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और ठग सुकेश चंद्रशेखर का मामला पिछले दिनों खूब सुर्खियों में था। 200 करोड़ की ठगी में फंसा ठग सुकेश चंद्रशेखर कुछ महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नया खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को प्रभावित करने के लिए गृह मंत्री स्पूफिंग कॉल के जरिए के नाम का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस से अपना परिचय कराने के लिए पिंकी ईरानी का इस्तेमाल किया था। पिंकी ने सुकेश के संपर्क में रहने के लिए उसे मनाने के लिए जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट शान मुथाथिल की मदद ली। पिंकी ईरानी सुकेश की निजी खरीदार बन गई और वीडियो कॉल जेल से की मदद से उसने जैकलीन फर्नांडिस के लिए क्रिश्चियन डायर एलवी हरमेस आदि से गिफ्ट खरीदे। खरीदारी की सूची में बैग, जूते, घड़ियां, एक्सेसरीज और सारनेस, सैंडल और विप शामिल है। शेखर ने जैकलीन फर्नांडिस के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए पिंकी को 10 करोड़ रुपए की पेशकश की, क्योंकि उनके बीच वैलेंटाइन डे के आसपास लड़ाई हुई थी। शेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को प्रपोज करने के लिए टिफनी हीरे की अंगूठी दी, जिसमें के नाम के पहले अक्षर थे। पिंकी ईरानी कई अभिनेत्रियों और मॉडलों को सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाने के लिए तिहाड़ जेल ले गई। जेल में इनके नाम गवाह के रूप में दिए गए थे। पिंकी ईरानी ने इन अभिनेत्रियों और मॉडलों से अपना परिचय इन जेल के रूप में कराया। एक BMW कार इन अभिनेत्रियों को गेट नंबर 3 पर ले गई। तिहाड़ जेल के 3 और आगे एक इनोवा कार उन्हें सुकेश से मिलने जेल के अंदर ले गई। तिहाड़ जेल सुरक्षा द्वारा कोई सुरक्षा जांच नहीं की गई और न ही कोई आईडी मांगी गई। इन अभिनेत्रियों को भारी मात्रा में नकद और उपहार दिए गए, जिसमें गुच्ची बैग, वर्साचे वॉच, एलवी बैग, फ्रैंक मुलर वॉच आदि शामिल हैं। इन अभिनेत्रियों और मॉडलों से कहा गया कि वे अपना सिर नीचे रखें ताकि CCTV में उनका चेहरा रिकॉर्ड न हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि यूनिटेक के संजय चंद्रा और तिहाड़ जेल के जेल कर्मचारी इन अभिनेत्रियों को सुकेश तक ले गए। ईडी की जांच से पता चलता है कि सुकेश चंद्रशेखर ने पिंकी ईरानी के माध्यम से भूमि पेडनेकर, सारा अली खान और जाह्नवी कपूर जैसी अन्य अभिनेत्रियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की। कुछ को हार मिले तो कुछ ने बना कर दिया। कुल मिलाकर सुकेश चंद्रशेखर ने कई अभिनेत्रियों और मॉडलों पर 2015 से अब तक 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ईडी की जांच से पता चला है कि सुकेश हवाला के जरिए केरल में बड़ी रकम भेजता था और बाद में केरल में कुछ लोगों द्वारा आलीशान सामानों के लिए भुगतान किया जाता था।